स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल BR Cinepics में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के वीडियोज़ की श्रृंखला में हम हाजिर हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के। तो आज हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की ड्राइविंग कर्व के बताने वाले हैं कि आखिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का कितना काम हो चुका है और कितना काम यहाँ पर बाकी है। तो हम आपको बता दें कि दौसा ज़िले में पैकेज नंबर 6 चल रहा है, जिसमें वर्तमान में काम हो रहा है और वो पूरा भी होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि पैकेज नंबर 6 में एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है फिलहाल, वो है बांदीकुई आगरा ट्रैक पर जो रेलवे पुल बन रहा है उसका थोड़ा काम बाकी है। बाद बाकी भांडरे से और जहाँ तक दौसा ज़िले की सीमा लगती है वहाँ तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो वर्क है वो पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर डामर की तीन तीन लेयर डाल दी गई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आने जाने लगे हैं। फिलहाल जो टोल प्लाजा हैं उन पर अभी जो कर्मचारी हैं कंपनी के वो बैठे नहीं हैं और जो टोल है फिलहाल लिया नहीं जा रहा है, लेकिन जब इसका उद्घाटन होगा मार्च 2022 में इसके बाद जो टोल प्लाजा है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल लोग इसकी जो ड्राइविंग है टेस्ट ड्राइविंग वो करते रहते हैं। तो एक नया वर्क शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर हाईवे के नीचे तीन रो बनाई गई हैं जिनमें जो पौधे हैं उनका प्लांटेशन किया गया है, इससे कि जो हाईवे है एक्सप्रेसवे है वो बाद में काफ़ी हरा भरा दिखे ऊपर से और प्रदूषण भी थोड़ा कम हो। तो ये देख सकते हैं फिलहाल जो प्लांटेशन का वर्क है वो यहाँ पर किया गया है और ये वर्क हाईवे के दोनों ओर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर किया जाएगा। जो भूमि बची हुई है बाउंड्री वॉल से और एक्सप्रेसवे के बीच में उसमें तीन तीन कतार यहाँ पर बनाई जा रही हैं जिनमें प्लांटेशन किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये वर्क बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि एक्सप्रेसवे से जो पानी नीचे उतरेगा बरसात का उससे ये पौधे काफ़ी जल्दी विकसित होंगे, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे है वो काफ़ी ऊंचाई में है और यहाँ पर जो पौधे हैं वो नीचे रहेंगे। हालांकि जो वाटर पिट बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पर कनेक्ट किया गया है उनको, और एक जो नालीनुमा संरचना है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है जिससे कि जो एक्सप्रेसवे का जो पानी है वो जब नीचे आए तो बह कर के उस नाले के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर जा सके और जगह जगह उसका कटाव नहीं हो। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स लगाने का जो वर्क है वो भी पूरा कर लिया गया है। डिवाइडर में जो प्लांटेशन का वर्क था वो भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा डामर की जो तीन लेयर हैं वो यहाँ पर डाल दी गई हैं। Thank you.
ये देख सकते हैं आप जो डिवाइडर के बीच में जो प्लांटेशन किया गया था, अब उसमें काफ़ी जो फूल हैं वो खिलने लगे हैं। ये जो पौधे थे उनमें फूल खिलने लगे हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, और आने वाले दिनों में ये जो नज़ारा है वो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। ये आप जेब्रा लाइन देख सकते हैं, ये अंडरपास के पास की गई है, और कुछ वाटर रैम्प भी बनाए गए हैं डिवाइडर के बीच में जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो। और आपको जो लाल फूल हैं यहाँ पर वो काफ़ी नज़र आ रहे होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो पौधे हैं उनमें लाल फूल लगे हैं। हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ी वीडियो निरंतर रूप से अपने चैनल पर लाते रहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके और आप हमारे वीडियोज़ को निरंतर रूप से देख सकें, क्योंकि सर्वाधिक जो वीडियो मौजूद हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ी वीडियो वो हमारे चैनल पर ही हैं। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपके कुछ सुझाव हो तो वो भी आप हमको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।